अपना पैसा जो और रेस्क्यू क्यों इस वक्त सिविल लोग पार्क उस स्लाइडिंग में रेस्क्यू कर रहे हैं। वहां पर एक बंदा यात्री वाला गिरा हुआ है, इसलिए कोई टेंशन नहीं, अब वो सेफ हो गया। उसके दाएं बाएं अगल बगल में लोग पहुंच गए हैं, अपने इधर रामसू के सिविल लोग पहुंच गए हैं, ऐसी कोई बात नहीं, केवआरटी के लोग ही हैं और ये सब लोग इस वक्त इसको रेस्क्यू कर रहे हैं और इसको निकाल रहे हैं। तो इंशाल्लाह इसको अभी ये चढ़ा देंगे। हमारे जवान वहां पर पहुंचे हुए हैं, वहां पर कुछ फौज के जवान भी थे लेकिन नहीं पहुंच पाए। हमने दूसरी जगह से लोग पहुंचा लिए और वहां पर रेस्क्यू करके उसे निकाल रहे हैं। देखिए अब इसे आराम से चढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे से, नो टेंशन, अब ये चढ़ जाएगा। अब फौजी साहब बाद में अभी कर रहे हैं कोशिश, लेकिन फिर भी वो पहुंचने में कासिर रहेंगे, ये अभी पहुंचा लेंगे इसको। जहाँ हम आपको दिखा रहे हैं लाइव तस्वीर जो अभी अभी एक ये हमारे फौज के ही जवान फारूक अहमद डेंग साहब हैं, मंशूर अहमद सोहिल साहब है, ये केवआरटी के लोग ही हैं और एक यहाँ के वो प्रेसिडेंट साहब भी हैं जो इनकी पूरे हमरा में इस वक्त लगे हुए हैं। कोई टेंशन नहीं, इस वक्त रेस्क्यू कर दिया तो बिल्कुल सुरक्षित है बंदा और बिल्कुल सुरक्षा से उसे ले जा रहे हैं, इस वक्त ऊपर की तरफ चला रहे हैं, बिल्कुल सुरक्षा है और इंशाल्लाह अभी इसको चढ़ा दिया जाएगा। घबराने की कोई बात नहीं, यहां के रेस्क्यूअर जितने भी जवान हैं वो इस वक्त बिल्कुल तैयारी में हैं। एक अरशद अमीन साहब हैं, दूसरा मंशूर साहब हैं, तीसरा फारूक अहमद डेंग साहब जो फौज के जवान हैं, जो आज छुट्टी आए हुए हैं, ईद मनाने आए हुए हैं यहां घर पे, और वही यहां से दौड़ के रेस्क्यू करने चले गए। तो शुक्र है अल्लाह का, इसे बचा दिया गया और इस वक्त ऊपर चढ़ा रहे हैं धीरे धीरे से, जगह थोड़ी खतरनाक है, खैर बंदा बच गया, शुक्रिया। जी ये थे हमारे बीजेपी के स्पोक्समैन और मैं हिमालयन केवआरटी का प्रेसिडेंट आपको लाइव तस्वीर दिखा रहा हूँ। ये हमारे Now and press the bell icon. Never miss an update.